नमस्कार रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी नमक पारी बंगाली स्टाइल में कैसे बनाते हैं। इसे नमकीन या निमकी भी कहते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं नमक पारी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। निमकी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच काला जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। मैदे को गूंदने के लिए हमें चाहिए हल्का गर्म पानी और निमकी को फ्राई करने के लिए चाहिए रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले हम काला जीरा, नमक और बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डाल देंगे। जैसे हम रोटी पराठा बनाने के टाइम मैदा गूंदते हैं वैसे ही इसे गूंदेंगे। नमक को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर नमक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो निमकी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मैदे को अच्छे से गूंद के मैंने लोई बना लिया है। अभी इसको बेल लेंगे। जैसे रोटी पराठा बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे और इसके लिए थोड़ी सी मैदा लेंगे। मैदे को आप जितने अच्छे से गूंदेंगे निमकी उतना ही अच्छा बनता है। इसको मैंने बेल लिया है। अभी इसे काट लूँगी। आपको निमकी का साइज़ जैसा पसंद है आप उसी हिसाब से काट सकते हैं, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा, आपको जैसा पसंद है। मैंने काट लिया है, अभी इसे घुमा लूँगी और फिर एक एक करके काट लूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एक साथ पूरा काटने जाएंगे तो नहीं काट कर पाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग करके काट के दिखा रही हूँ। एक प्लेट में मैं मैदा डाल के इसे अच्छे से प्लेट में लगा दूँगी, नहीं तो प्लेट में रखते ही निमकी प्लेट के साथ चिपक जाता है। अभी इस निमकी को निकाल के प्लेट में रख दूँगी। ये एक दूसरे के साथ लग भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म तेल में जाते ही ये अलग हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये तैयार हो चुका है तो इसी तरह मैं बाकी लोई को भी बेल के तैयार कर लूँगी। तेल गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है, तो अभी इसमें कटा हुआ निमकी को छोड़ दूँगी। लो फ्लेम में इसे फ्राई कीजिए, नहीं तो ये तेल में आके ही जल जाता है बहुत जल्दी। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस किसी टाइम में ये फ्राई हो जाता है। इसे फ्राई हो गया है तो मैं इसे तेल से निकाल लूँगी। मैंने टिश्यू पेपर लिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। डो बनाने के टाइम मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया था इसीलिए ये इतना खुला है, दिखने में सुंदर ही लग रहा है। मैंने सारे निमकी को तेल से निकाल लिया है और इसी प्रोसेस में मैं बाकी निमकी को भी फ्राई कर लूँगी। निमकी तैयार हो चुका है, अब इसे चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर फूल गया है। तो आप इसे घर पर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए।